लिखो भोजपुरी पी आर ओ संजय भूषण पटियाला ने दी लखनऊ इवेंट की जानकारी। टाइटल लिखो भोजपुरी स्टार्स क्यों पहुंच रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट। पी आर ओ संजय भूषण पटियाला ने दी अहम जानकारी।
बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आपके माध्यम से सबको प्रणाम है। आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है, क्या कुछ आज आयोजन रखा है, जरा बताएं। आज हमारी 5 फिल्मों का मुहूर्त है और जिसका नाम है हिंदुत्व, फसल, वास्तव, सन्यासी और जाने मंटू। आज लखनऊ में इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कुछ कौन कौन सा सेलिब्रिटी आपने कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं? करीब करीब सारे लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आने वाले हैं और शाम को पता चलेगा बाकी का क्या सीन है। सर, ये सिनेमा 5 अनाउंस कर रहे हैं, कब तक शुरू हो सकता है ये? बस अगले महीने से सबका शूटिंग चालू है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर। प्रेम राय सर, आप हमेशा बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, छोटी फिल्मों को भी बनाते नहीं हैं और जब भी करते हैं कुछ बड़ा ही धमाका करते हैं। इस बार 5 फिल्में बनाने के मेन उद्देश्य क्या है आपका? कुछ नहीं, पहले जैसा मेरा एज यूजुअल स्टाइल है, इसके पहले भी मैंने 3 सिनेमा का मुहूर्त किया था और बनाया था, तो अभी अपने स्टाइल के हिसाब से 5 फिल्म का मुहूर्त किया मैंने। और इस सिनेमा में डायरेक्टर के हम बात करें तो कौन कौन से होंगे? इसमें राजकुमार पांडे जी हैं और पराग पाटिल जी हैं और साउथ के एक डायरेक्टर हैं, उसके बाद संजू बिस जी हैं और सुजीत सिंह जी हैं। अगर हम बात करेंगे पिछली फिल्में तो कौन कौन सी फिल्में अब तक रिलीज हो चुकी है और कौन रिलीज होने वाला है? अभी तक तो जाने मन हुकूमत, आशिका वारा, आतंकवादी, सैया सुपरस्टार रिलीज हो चुकी है और बॉस फिल्म बन के रेडी है, होली के टाइम पे हो सकता है रिलीज होगी। अभी तक आपने दिनेश लाल यादव, पवन सिंह और खेसारी लाल को लेकर फिल्में बनाई है, इन लोगों को लेकर नया क्या कुछ खास तैयारी चल रही है? नया स्क्रिप्ट है, अभी जमाने के हिसाब से, अभी के हिसाब से जैसा स्क्रिप्ट लोगों को पसंद आता है उसके हिसाब से फिल्म बना रहे हैं। आज देख रहा हूँ काफ़ी हीरोइनें भी आई हैं, कौन कौन से जरा नाम बता सकते हैं? नाम तो नहीं मालूम है हमको ज़्यादा कुछ, जैसे जो नाम याद हो उन लोग जरा नाम बता दें। नहीं, करीब करीब सब, आप जिसको जिसको लेके आए सब आई है। अच्छा, इस सिनेमा में केवल हीरो का भी अपने, मैं देख रहा हूँ पोस्टर फाइनल हो चुका है, कुछ हीरोइन लोगों का भी पता खुलने वाला है? हाँ, जो आया है उसको काम तो देना ही है ना, तो जिसका काम है वही लोग आया है। भोजपुरी सिनेमा के आज मुहूर्त आप लखनऊ में कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमारे मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी काफ़ी भोजपुरी से लगाव रखते हैं, उनको और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, महाराज जी तो काफ़ी अच्छा समर्थन भोजपुरी फिल्मों और हिंदी फिल्मों को दे रहे हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिला है और बहुत सारे उन्होंने पॉलिसीज़ निकाले हैं फिल्म बंधु के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में आकर के आप बहुत आराम से और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ में आप फिल्म बना सकते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। काफ़ी पॉलिटिशियन में देख रहा हूँ लंबा लिस्ट है जो आने वाले हैं, उन लोगों का नाम बता सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं, नाम शाम को बताएंगे। तो अभी तक राज को खोलने वाले नहीं है जी? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले कि आपका क्या नाम है और आप करते क्या? मैं सुरेंद्र मिश्रा, फिल्म राइटर हूँ और
ये जो रवि किशन जी की फिल्म है हिंदुत्व, उसे लिखने की जिम्मेदारी मुझे भैया ने दी है, प्रेम भैया ने, और मैं उनका दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे उन्होंने इसके काबिल समझा। सर, इससे पहले आपने कोई फिल्म अभी तक लिखी? इससे पहले अभी सर मैं नाम गिनाने चाहूँगा तो 150 फिल्मों की लिस्ट है। मुख्य मुख्य बता देता हूँ, परिवार लिखी है, विदाई दिनेश जी की, होगी लकारोनिया वाली से, फिर खां जी बाराजा नजरिया लड़ाते, फिर खेसारी जी की तेरे नाम, खिलाड़ी, माँ तुझे सलाम, बहुत बड़ी लिस्ट है सर, कर्तव्य, कुरुक्षेत्र, मार्गदर्शक गोली। सर इसका मैं ना जवाब एक किस्सा सुना के छोटा सा दूंगा, 30 सेकंड का है। एक बार हमारे देश के संसद में आवाज़ उठी थी, हमारे बनारस में एक है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो आवाज़ उठी थी कि ये हिंदू शब्द निकाल दिया जाए। तो इसके जवाब में कहा गया कि जब वो विद्यालय बना है तो उस विद्यालय का जो सांचा था ईंट का, ईंट के ढलाई का, उस सांचे को खुदा गया था, उस पर लिखा गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो बताया गया कि अगर ये हिंदू शब्द निकालना है तो बोर्ड के निकालने से नहीं होगा, जो बोर्ड पे लिखा है इसकी हर ईंट से निकालना होगा, दीवार तोड़नी पड़ेगी, वहाँ से ईंट ईंट पे लिखा गया है तो उस हर ईंट से हिंदू शब्द को निकालो, फिर नींव को खोदो, नींव में जो ईंट पड़ी है उसमें भी हिंदू लिखा गया है। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि हिंदू है तो भारत है, हिंदुत्व भारत की नींव में है, और इस देश का नाम भी हिंदुत्व, भारत के नाम पर भारत पड़ा, तो हमारे देश का बहुत बड़ा इतिहास है हिंदुत्व। सर आपको ऐसा नहीं लगा कि हिंदुत्व जैसा कॉन्सेप्ट लिखने पर जी कहीं ना कहीं जो एक तरह से सेक्युलरिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा, या विशेष प्रजाति या जाति को जो है महत्व इसमें मिलेगा, इससे जो है समाज में दूसरे तरह की जो भावनाएं, हीन भावनाएं जो है और जातियों के प्रति फैल सकती हैं, जैसे जो मुस्लिम समुदाय है या और कई तरह की? मैं कई ऐसे सूफी संतों का नाम लूँगा जो हिंदुत्व की राह पे चले हैं, संत कवि रहीम, कृष्ण के बारे में लिखा, रसखान, बोलते हैं कि पाहुन हो तो हूँ रसखाना, वो अपनी कविता में कहते हैं कि मैं पत्थर बनूँ तो जमुना किनारे रहूँ, तो हिंदुत्व तो सबके लिए है सर, वो एक ऐसा मंच है जो हर जाति हर संप्रदाय के बल्ली बांस से जुड़ा हुआ है, मिलकर बना हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुत्व को लेकर के जो अफवाहें फैली हैं कि हिंदू कट्टर होते हैं, हिंदू होते हैं, हिंदू शब्द ही उदार है, तो हिंदू एक क्या बोलूँ मैं, सनातन है हिंदू, तो सनातन कभी हिंसक हो ही नहीं सकता, लेकिन कोई आप पे अटैक करता है तो उसका जवाब न देना तो कहता है ना, वो कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो हमारा ग्रंथ भी नहीं कहता है, रावण को मारने के लिए राम ने भी अस्त्र उठाया था, समुद्र ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अग्निबाण चलाने के लिए तैयारी किए, तो समुद्र माना, सठे सठे हम समाचार है। तो आप इस फिल्म से किस तरह की उम्मीद करेंगे, फिल्म कैसा जाएगा भविष्य में, जब ये फिल्म बनेगी, इसका निर्माण शुरू होगा? जी सर, तो इसका रिजल्ट आप किस तरह से देंगे? इस फिल्म को प्रेम राय जी जो हमारे निर्माता हैं, काफ़ी भोजपुरी हिट फिल्में बना चुके हैं, और ये खुद इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी USP यही है कि इसके डायरेक्टर प्रेम राय जी खुद हैं, तो सोच लीजिए वो पहली बार निर्माता के बाद पहली बार डायरेक्शन करने जा रहे हैं, तो फिल्म तो अद्भुत होगी ही, और ऊपर से रवि किशन जी हैं, उनका करेक्टर ही चरित्र ही। तो आप जो है लिखते समय आपने क्या इमेजिन किया था, आप अपने दिमाग में लाए थे कि इस फिल्म का जो है नायक रवि किशन जी ही रहेंगे? ये प्रेम भैया का डिसीजन था, प्रेम भैया ने का ही डिसीजन था, और एक ज़मीन उन्होंने दी है, अच्छी ज़मीन दी है, इस उसी पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, किसान अच्छे हैं, ज़मीन अच्छी मिली है तो फसल अच्छी उगेगी। सर आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। पांडे चिंटू जी, जैसा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पूरी जगह जानता है कि आप एक बहुत बड़े स्टार अपने आप को साबित कर चुके हैं, और हैं, तो आप इस टाइम कौन से फिल्म के लिए यहाँ लखनऊ में आए?
हम सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को उनके अपने और सबसे चहेते प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। और चूंकि मैं लखनऊ में ही शूटिंग कर रहा था पिछले काफ़ी समय से, जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है loveviva.com, तो जस्ट मैं शूट छोड़ कर आया हूँ। एक बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य और बहुत ही कमाल का सिनेमा का निर्माण होने जा रहा है, जिस फिल्म का नाम है सन्यासी। तो जैसा कि इसके आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या होने वाला है इसमें, लेकिन ये बिल्कुल जो आप लोग टाइटल से समझ रहे हैं कि सन्यासी में क्या होगा, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है फिल्म में, जो हमेशा से जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो वाकई में जो विष्णु पितामह कहे जाते हैं और जो मेरे पिता के साथ साथ भोजपुरी में वाकई में जिन्होंने कईयों का जीवन संवारा है मेरे साथ साथ, कईयों का मतलब मैं अगर बताऊँ तो लगभग लोग आ जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, श्री राजकुमार आर पांडे जी उसका निर्देशन करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो हमेशा से सौभाग्य रहता है कि मैं उनके ही डायरेक्शन में काम कर पाऊँ। और काफ़ी समय से अभी हम लोगों ने दो फिल्म काफ़ी समय के बाद हमें मौका मिल पाया कि दो फिल्म कर पाएँ, ससुरा बड़ा सतावेला और इश्क, और उसके बाद फिर अब सन्यासी लेकर आ रहे हैं, जिसके निर्माता हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक प्रेम राय जी हैं। उनका हमेशा ये सोच होता है, उनकी हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो हमेशा बेहतरीन फिल्म बनाए, खूबसूरत फिल्म बनाए, भव्य फिल्म बनाए, कि ताकि भोजपुरी सिनेमा जगत में एक और ऊंचाई स्थापित हो और भोजपुरी को और ऊपर लेके जा सके। सन्यासी एक बहुत ही डिफरेंट अलग तरह का किरदार है, सन्यासी से पहले आपने इस तरह की कोई किरदार अभी तक किए नहीं, नहीं तो इसके पहले आप जो है एज ए लवर हुआ है और आप कई तरह के कैरेक्टर अपने आप को साबित कर चुके हैं जी, तो सन्यासी के कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज के रूप में आप देख रहे हैं इसको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जब भी कोई भी फिल्म करूँ तो एक नए लुक के साथ, एक नए कैरेक्टर के साथ, एक ऐसी जीवनी जीऊँ जो लोगों ने पहले पर्दे पर नहीं देखा है। और ये सन्यासी जो है मेरे लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ऐसे अब तक ऐसा कुछ भी मैंने किया नहीं है कभी, और मेरी हमेशा से ललक रहती है, मेरा एक्साइटमेंट रहता है हमेशा कि कुछ नया करूं, बेहतर करूं, अच्छा करूं, कि ताकि जो मेरा भोजपुरी, जो मेरा समाज है, मेरा भोजपुरी का परिवार है, जिनका प्यार था हमेशा मुझे मिलता आया है, हर बार मिलता आया है, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनके उम्मीदों पर, उनके जो वो सोचते हैं मुझको लेकर कि चिंटू की फिल्म आएगी तो धमाकेदारी होगी, चिंटू की फिल्म आएगी तो कुछ नया होगा, तो इस सोच को मैं हमेशा जारी रखूँ आगे भी। और सन्यासी बहुत कुछ नया देने वाला है आपको, बहुत कुछ कमाल देने वाला है आपको, और बहुत बहुत कुछ एकदम धमाकेदार होने वाला है इस फिल्म में। सन्यासी जैसा कॉन्सेप्ट है चिंटू जी, और ये कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है किस तरह, शॉर्ट में आप बताइए कि किस तरह का जो है कॉन्सेप्ट है और इसमें जो है क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सिनेमा? मैं अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वही ट्विस्ट ही है, अगर वो मैं उसके बारे में कुछ ज़रा सा भी बोल दिया तो वो ट्विस्ट का मज़ा खत्म हो जाएगा, और मैं चाहूँगा कि बात पर्दे में रहे, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया तो फिर तो इसीलिए मैं चाहूँगा पर्दा सिनेमा हॉल में खुले, और उसके पहले इसके फर्स्ट लुक पोस्टर जब आएंगे ऑफिशियल, और जब इसका ट्रेलर जाएगा तो उससे आप सबको एक आइडिया हो जाएगा कि सन्यासी वाकई में क्या है, ये फिल्म क्या है, क्योंकि जब भी श्री राजकुमार आर पांडे जी जब भी किसी भी फिल्म को बनाते हैं तो एक नया फ्लेवर लेकर आते हैं, एक नया स्टाइल लेकर आते हैं, कि ताकि हमारा जो भोजपुरिया परिवार है पूरे परिवार के साथ बैठकर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, अपने दोस्त यार के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठकर, चाची नानी माई मौसी फूफा जितना भी लोग के होगा सब के साथ बैठ के आराम से सिनेमा देख सके। एक भीष्म पितामह के रूप में आप अपने पिताजी को देखते हैं श्री राजकुमार आर पांडे जी को जी, और वो है भी एक्चुअली में अगर देखा जाए उन्होंने अपने आप को साबित भी किया जी, तो राज जी के साथ और अदर डायरेक्टर के साथ काम करने में आप कितना डिफरेंट देखते हैं, कितना कंफर्टेबल आप महसूस? ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं बल्कि भोजपुरी में जितने भी कलाकार हैं सबकी ये बात होती है, सबकी ये अपनी क्या बोलते हैं उसको फीलिंग्स होती हैं, जब भी वो कोई भी जब इनके साथ काम करते हैं तो सब पूरी तरह एक पारिवारिक और एक एक गार्जियनशिप में सब कोई होता है, और मैं तो चूंकि उन्हीं का पुत्र हूं तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि मेरे पिता के साथ काम करूँगा, और उन्होंने क्योंकि उन्होंने ही मुझे तराशा है, उन्होंने ही मुझे हर बारीकियाँ समझाई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, फील्ड चाहे एक्टिंग फील्ड में हो या टेक्निकल, कोई भी जो लोग कहते हैं कि आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, आप चीज़ें भी जानते हैं, तो उसका कारण सिर्फ मेरे पिताजी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर बारीकियाँ मुझे सिखाई है, हर चीज़ मुझे समझाया है, तो इसलिए मुझे तो मैं तो हमेशा से एक्साइटेड रहता हूँ उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे अन्य भी जो भी डायरेक्टर्स हैं वो सब बहुत ही कमाल का, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके साथ जब भी कोई जिस भी डायरेक्टर के साथ सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, अपना अपना बनाने का एक तरीका है, अपना अपना फ्लेवर है, और सब लोग मुझे अपने फ्लेवर में ढालते हैं, अपने तरीके में, अपने स्टाइल में मुझे प्रेजेंट करते हैं, तो ये मैं इस बात के लिए मैं सभी जितने भी लोग हैं सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि जो जो सोच आप लोग लेकर हमेशा चिंटू को लेकर चलते हैं सिनेमा में
और जो सोच लेकर आप लोग मेरे पास आते हैं कि छिंटू को लेकर मैं ये फिल्म बनाऊंगा, ये परफॉर्मेंस लेवल होगा या ऐसा कुछ, तो मेरा हमेशा कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा उस सोच को पूरा करूं और आप सबके विश्वास पर खरा उतरूं और आप जो भी सोचें मुझको लेकर उस सभी सोच को मैं पूरा करूं, बहुत अच्छे से अपना काम करूं जो भी मैं कर रहा हूं। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा थैंक यू हमारे सभी जनता जनार्दन का है जिन्होंने हमेशा से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। किंतु जी एक आखिरी सवाल और बहुत ही अहम सवाल, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाऊंगा सन्यासी के लिए, तो सन्यासी से रिलेटेड मैं सवाल करूंगा जी। एक अंतिम सवाल ये है कि आप एक डिफरेंट किरदार करने जा रहे हो, इससे पहले आपने ऐसे किरदार शायद नहीं किए जी मेरी जानकारी जहाँ तक। हाँ, तो आप आखिरी सवाल ये जवाब दीजिए कि किस तरह से आप इस फिल्म को देख रहे हैं, ये क्या मील का पत्थर साबित होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब चयन करने की बात आई कि कौन सी फिल्म को अभी किया जाए, तो सबसे पहला और सबसे एकदम सामने नाम आया सन्यासी, क्योंकि ये जो कहानी है, ये जो टाइटल है सन्यासी, इस पर हम लोग कई समय से हम लोग काम करना चाह रहे थे, इस फिल्म को बनाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मैं दूसरी गतिविधियों में ज़्यादा व्यस्त हो गया, दूसरी फिल्में बहुत ज़्यादा फिल्में साइन करने को हो गया, तो उसमें मैं ज़्यादा बिजी हो गया, तो ये फिल्म एक हमारी जो एक वन ऑफ माई ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से मैं बोलना चाहूँगा, तो ये फिल्म बहुत ही कमाल का, बहुत ही अनोखा है, बल्कि इन्हीं सब फिल्मों के चलते हमारे भोजपुरी का स्तर और ऊपर उठेगा, और जो हम जो मल्टीप्लेक्स में जो जाने की बात कर रहे हैं कि भोजपुरी को और ऊंचाइयों तक लेकर जाए, चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी हमेशा से ये प्रयास उनका भी रहता है, उनका समर्थन रहता है भोजपुरी सिनेमा को लेकर, उनका एक अटूट और एक अलग सा एक लगाव है हमारे सिनेमा को लेकर, तो उनसे भी ये गुजारिश, और वो भी इस चीज़ के लिए हर संभव वो भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भोजपुरी भाषा को और ऊंचाई मिले, मल्टीप्लेक्स में भी लेके जाया जाए, तो ये सन्यासी वो फिल्म है जो मल्टीप्लेक्स तक लोगों को लेकर जाएगा, भोजपुरी सिनेमा को लेकर जाएगा, और हमारे भोजपुरी दर्शकों को, जो दर्शक है जो मल्टीप्लेक्स में हमारी अपनी मातृभाषा को, अपनी भाषा की फिल्म को, भोजपुरी फिल्म को मल्टीप्लेक्स के बड़े सिनेमाघर में देखना चाहते हैं, तो ये वो फिल्म है जो उन लोगों को खींचेगा, लोगों को सिनेमा मल्टीप्लेक्सेस तक पहुंचाएगा और लोगों तक, लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा फिल्म, ये मेरा पूरा दावा है। थैंक यू सो मच। और मैं बस जाते जाते ही बोलना चाहूँगा आप सभी से कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही अपने चिंटू पर बनाए रखें, और बहुत जल्द होली का एक धमाकेदार गाना आप सबके बीच आ रहा है, तो ज़रूर सुनिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और दिल से आप सबको बहुत प्यार करता हूँ, लव यू। जो दिनेश जी के साथ कर रहा हूँ, और दिनेश जी इसकी मुख्य भूमिका में, मैं फसल के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। सर ये बताइए कि दिनेश जी के साथ इससे पहले भी आपने कहीं कोई फिल्में की हैं या अभी आपकी पहली फिल्म? दिनेश जी के साथ फिल्में करने के लिए मेरी कोशिशें बहुत रही और धीरे धीरे कोशिशें सफल होती नज़र आ रही है, फसल के थ्रू और सबका बाप अंगूठा छाप के। फसल एक तरह का जो है देखा जाए तो अभी तक ये जो है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, नए तरह का टाइटल लग रहा है, तो फसल जो है वो किस तरीके से, मैं फिल्म के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए फसल ये शब्द जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है, और किसानों का मुद्दा भारत में अब क्या चल रहा है, किस हद तक चल रहा है, ये तो सब लोग आप देख ही रहे हैं। किसानों के मुद्दे पहले भी और अभी भी, जो सारी चीज़ें जो तकलीफ़ें किसानों को आती हैं, उन्हीं मुद्दों को बारीकी से समझते हुए हम लोग फसल कर रहे हैं। सर फसल जो है जैसे आपने बताया कि किसानों के ऊपर है, तो क्या ये किसानों का जो है मुद्दा एक पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाए, मतलब पॉलिटिक्स से जोड़ करके आप जो इस फिल्म को किसी ना किसी तरह से देख रहे हैं? देखिए जहाँ पर किसान आ गए तो उसमें सारे मुद्दे जुड़ते हैं, वो पॉलिटिक्स हो या किसान के पर्सनल जीवनी हो, जो भी है, जो भी किसान के थ्रू या किसान से जुड़े हुए सारे मुद्दे इसमें रहे। सर इस फिल्म के माध्यम से जो आप फसल बना रहे हैं, इस फिल्म के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दर्शकों को, क्या मिलेगा इस फिल्म से, क्या उम्मीद रखेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो भोजपुरी में कॉन्सेप्ट फिल्में बहुत कम बनती हैं, और कॉन्सेप्ट फिल्मों को बनाने का दौर मैंने संघर्ष से शुरू किया, तो संघर्ष हो, दोस्ताना हो, लिट्टी चोखा हो, या फिर अभी फसल हो, तो ये कॉन्सेप्ट
के मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए एक सिनेमा बनाना और उसको हर तरीके से प्रॉपर वे से उसको आकार देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे भोजपुरी के लिए, मेरे भोजपुरी दर्शकों के लिए। तो फसल एक कॉन्सेप्ट फिल्म है जो लोगों को पसंद आएगी। जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में नहीं बनती है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी फिल्में नहीं बनती है, बन रही है और भी बनेंगी। सर आप एक्शन सिनेमा बनाने के लिए मशहूर हैं, तो एक्शन में आप जो है फसल में आप एक्शन कैसे डालेंगे सर? बिल्कुल, फसल में एक्शन एक किसान जितना एक्शन कर सकता है, जिस तरीके से एक साधारण आदमी एक्शन कर सकता है, वो साधारण एक्शन होगा। और ज़रूरी नहीं कि वो एक्शन साउथ जैसा हो या ऐसा हो या वैसा हो, नहीं, एक साधारण आदमी एक एक्शन जो कर सकता है वो एक्शन फसल में भी होगा। नया क्या आप इसके माध्यम से दे रहे हैं, इस फिल्म के माध्यम से नया आप कुछ देखने को मिलेगा सिनेमा में? देखिए, नया तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं बनते। मुझे आप बता दीजिए कि पिछले 10 सालों में किसानों के मुद्दे पे कोई भोजपुरी फिल्म बनी हो, शायद से, मुझे तो नहीं लगता है कि बनी हो, शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं। और फसल, ये मेरा ड्रीम था, लगभग 6 से 7 सालों से ये फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी और इस ड्रीम को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर प्रेम राय भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रेम राय जी को, जो फसल को बनाने के लिए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कैसे लगा कि जो है दिनेश लाल या तो निरहुआ ही जो इस फिल्म के साथ में आया कर सकते हैं, कोई और अदर हीरो जो है नया नहीं कर सकता, या किसी और को लेकर के आपने क्यों नहीं सोचा दिनेश जी के अलावा? देखिए, मेरा कैरेक्टर न्याय कोई अदर हीरो नहीं कर सकता, ये तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरे कैरेक्टर में दिनेश जी फिट है। फसल के लिए एक किसान के बतौर दिनेश जी फिट है मेरे इस कैरेक्टर के लिए, इसीलिए हम लोग दिनेश जी के साथ करें। तो सर दिनेश जी के साथ मनाने में, इस फिल्म के जरिए उनको लाने में आप पहली बार काम कर रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, कंफर्टेबल आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल, दिनेश जी बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं। और दिनेश जी को जब मैंने ये वन लाइनर सुनाई तो बहुत एक्साइटेड थे, बल्कि उनके भी और भी अच्छे अच्छे इनपुट्स आए कि पराग जी हम लोग इसको ऐसा करेंगे, इसको इस मुद्दे को इस तरीके से लाएंगे। तो वो भी पॉलिटिकल माध्यम से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से दिनेश भैया जुड़े हुए हैं, तो किसानों के तहत एक क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या बारीकियां हो सकती हैं, तो उनके भी इनपुट्स रहे हैं फसल के स्क्रिप्टिंग के दौरान, और मिलजुल के हम लोग फसल बना रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि दिनेश जी जिस फिल्म में कर रहे हैं आपके साथ, फर्स्ट टाइम आपका है, तो आप फिल्म को किस तरह से देखें, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट भी है आपके साथ, क्या मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस फिल्म से? उम्मीदें तो बहुत है, पूरे इंडस्ट्री को उम्मीदें हैं फसल से। और हम लोग जैसे शूट कर रहे हैं, हम लोग रियलिस्टिक लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, हम लोग फसल आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग फसल का दृश्य सिनेमा में कैप्चर कर सकें। और एक माटी से जुड़ी हुई एक बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हम सब लोग मिलजुल के बना रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और सर के लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सर मैं भी मुंबई से हूं और मैं जानता हूं कि हर बात पर आप एक कविता जरूर बोलते हैं, और चूंकि आज भोजपुरी मंच है, भोजपुरी के बहुत सारे यहां पर दिग्गज हैं, तो एक कविता आज आपकी बनेगी, लेकिन उससे पहले सम्मान आपके हाथों से हम दिलाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर प्रोड्यूसर महेश गुप्ता और विजय त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, विवेक त्रिपाठी, ओके, विवेक त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम की शुरुआत अब धीरे धीरे करें। सर सर विजय लोकेश सर, महेश गुप्ता जी, विवेक त्रिपाठी जी, रामदास अठौले साहब का सम्मान कर रहे हैं, उसको कुछ दिया जा चुका है और सॉल लोकेश सर जा रहा है। और चूंकि सर आप बहुत अच्छा कहते हैं, तो हम चाहेंगे कि प्लीज आप दो शब्द जो है यहाँ के लिए। क्या हुआ? कुछ लोगों को लगती होगी हंसी, आज मुझे बहुत हो रही है। आज यहाँ लखनऊ में
पांच फिल्म का लॉन्चिंग यहाँ हो रहा है और ये पांचों फिल्में भोजपुरी में हैं। जब जब मैं खाता हूँ चिकन करी तो मुझे याद आती है भाषा भोजपुरी। तो भोजपुरी लैंग्वेज सुनने के लिए बहुत अच्छी है, बोलने के लिए भी बहुत अच्छी है। बिहार में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भोजपुरी चलती है और भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग हमारे मुंबई में भी रहते हैं, बिहार के उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग मुंबई में रहते हैं। तो मैं भी मुंबई का निवासी हूँ और आज हिंदुत्व नाम की जो भोजपुरी की फिल्म है इसका भी लॉन्चिंग यह हो रहा है। मतलब मेरा तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार का मजबूत करने का मेरा है मिशन। नरेंद्र मोदी जी सरकार का मजबूत करने का मेरा है मिशन, क्योंकि गोरखपुर के एमपी है रवि किशन। तो रवि किशन जी हमारे अच्छे मित्र है, वो मुंबई के रहने वाले हैं, जरूर उत्तर प्रदेश के हैं और उनका नेटिव प्लेस जौनपुर आता है। तो बहुत सारे कलाकार मुंबई में आते हैं और अपनी जिंदगी का दाव लगाते हैं। जिस तरह हमारे निर्देशक डायरेक्टर राजकुमार पांडे जी जो सन्यासी फिल्म निकाल रहे हैं, तो सन्यासी का जो जीवन होता है जीवन बहुत ही दर्द भरी जीवन होता है, बहुत सैक्रिफाइस वाला जीवन होता है और ये सन्यासी कौन है, ये रोल कौन कर रहे हैं? प्रदीप पांडे चिंटू। अच्छा आपका लड़का प्रदीप पांडे चिंटू। जब जब मैं नाम सुनता हूँ बिल्कुल तो मुझे याद आता है चिंटू। तो आपका लड़का वो है भोजपुरी का बहुत ही बड़ा फेमस कलाकार है, उनका फोटो भी मैंने देखा, बहुत स्मार्ट दिखता है और भोजपुरी फिल्म का बहुत ही पॉपुलर कलाकार के रूप में वो सन्यासी में काम कर रहा है। तो उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। दूसरी फिल्म है फसल, अब ये जो फसल है जब 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 अपने सामने आती रहेगी फसल तब तक याद रहेगा किसानों का आंदोलन। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, मतलब फसल के लिए चल रहा है, फसल को अच्छा दाम मिलने के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन फसल को दाम देने का निर्णय तो मोदी सरकार ने लिया ही है। मोदी सरकार का ये कहना ये है कि भाई ये कानून इसलिए हमने बनाए हैं कि फसल को ज्यादा दाम मिलना चाहिए, जहाँ ज्यादा दाम मिलेगा वहाँ आपको बेचने का अधिकार है। तो पंजाब के किसानों को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो अपनी मंडियां बंद हो जाएगी, अपनी जो एपीएमसी बंद हो जाएगी, इसीलिए मतलब ठीक बात है, वो तो पॉलिटिकल बात है, लेकिन फसल जो की है फसल के बिना हम जी नहीं सकते। फसल है, किसान सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में काम करता है, खेत मजदूर वहां जाकर खेत को ठीक ठाक करता है और उसके बाद फसल पैदा होती है 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में,
और फिर अभी एक टीवी में दिखा रहे थे कि जो गोभी है तो गोभी खाली एक रुपया, मतलब हमारे महाराष्ट्र में किसान का टीवी में दिखा रहे थे गोभी का रेट कितनी सी गोभी है, आधा किलो या पौना किलो होगी और उसको एक रुपया, मतलब चॉकलेट से भी कम पैसों में मतलब बेच रहे थे। वैसा पैसा मिलेगा तो क्या क्या किसानों को मिलेगा, इसीलिए किसानों के फसल को सही दाम मिलना चाहिए, यही मोदी सरकार का कहना है कि भाई किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, उसके लिए हम तीन कानून बनाए हैं, तो इसीलिए ठीक बात है जो फसल की भी ये है। दूसरा तो जिसमें हमारे प्रेम राय इसके डायरेक्टर भी है और हिंदुत्व जो फिल्म है, जो सही हिंदुत्व जो है उस हिंदुत्व को राष्ट्रीयत्व बोलते हैं, और आदमी हिंदू हो या कोई भी हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा करने की हम सब लोगों की कोशिश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सभी जाति धर्म के लोग, तो लोग को एक ही है, या कोई मतलब चेहरे से कोई आदमी ऐसा नहीं पहचानता है कि भाई ये जाति का है, तो मानव जात तो है तो मानव जात है, इसीलिए हिंदुत्व जो फिल्म है हमारे रवि किशन जी उसमें हीरो है, और रवि किशन जी हमारे बहुत बड़े एक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब पहली बार 1998 में चुन रहे थे उसी साल मैं भी मुंबई से चुन कर आया था, मुंबई में उत्तर मुंबई मुंबई नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, या दादर वडाला माही नायगांव ये एरिया जिसमें आता है, वहाँ से मैं पहली बार मुंबई से मैं लोकसभा में चुन कर आया था, मैं तीन बार लोकसभा में चुन कर आया था और अभी दो बार मैं राज्यसभा में हूँ। मैं अभी मोदी सरकार में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का मैं मिनिस्टर हूँ, राज्य मंत्री मैं हूँ, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी है उस पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ। तो कलाकारों के साथ मेरे भी संबंध अच्छे है, मैंने भी कुछ फिल्मों में टाइटल रोल छोटा मोटा मैंने भी रोल किया है, और मतलब मुझे आदत है करने की गोल, मुझे हमेशा आदत है करने की गोल, इसीलिए मैं करता हूँ छोटा छोटा रोल। मतलब मुझे भी फिल्म के बारे में बहुत बड़ा अट्रैक्शन भी रहा है, और मैं शायद राजनीति में नहीं आता था तो शायद मैं फिल्म एक्टर मैं अच्छा बन सकता था, अभी भी बन सकता हूँ, अगर मुझे कुछ काम करना है तो अभी मैं बन सकता हूँ, ठीक बात है। इसलिए आज यहाँ हमारे तो ये हिंदुत्व की जो फिल्म है रवि किशन जी इसमें प्रमुख रोल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये फिल्म बहुत अच्छी तरह चलेगी। दूसरी वास्तव है इसके डायरेक्टर सुजीत है, और वास्तव जो होता है जिंदगी का वास्तव को हमें खुली आंखों से देखना चाहिए, वास्तव क्या है, क्या वास्तव होता है, क्या वास्तव है, इसको देखने की आवश्यकता है, और इसीलिए वास्तव नाम की फिल्म भी भोजपुरी में आ रही है, और दूसरी फिल्म है जाने मन, जाने मन ये ना जाने मन टू, जाने मन टू, तो ये जाने मन टू ये भी फिल्म मतलब आ रही है, इसके डायरेक्टर है नरेंद्र सिंह बिष्ट इनके हैं, और इसमें भी रवि किशन जी है इसमें,
भोजपुरी में कल्लू कहते हैं, हमारे मराठी में कालू कहते हैं। कालू कहते हैं मतलब वो मराठी इधर कालू कहते हैं, और बिहार में जाएंगे तो लालू कहते हैं, और तमिलनाडु में जाएंगे तो बालू कहते हैं, और पिक्सल फिल्म के जो डायरेक्टर है पराग पाटिल है इधर पराग पाटिल। पराग पाटिल कुठलं गाव कोणतं तुमचं? डहाणू। डहाणू का? पालघर मध्ये। ठीक आहे, तुम्ही भोजपुरी हे पण भोजपुरी भोजपुरी ऐकलंय मतलब जब मेरे सामने आता है सिरा तब मेरे बाजू में खड़े रहते परा। पराग पाटिल हमारे मराठी डायरेक्टर है, वो अच्छी बात है मतलब आप एक हमारे पूरे कलाकार मुंबई में रहते हैं और मराठी लोगों को भी फिल्म की बहुत अच्छी पहचान है, तो आज मुझे आनंद है कि भाई मैं अचानक आज मैं लखनऊ में था तो मुझे रवि किशन जी का फोन आया कि भोजपुरी फिल्मों का लॉन्चिंग हो रहा है तो आप इधर आइए। तो मैंने सोचा देखिए अगर मैं उधर जाऊंगा तो मुझे भी थोड़ा सा काम मिल सकता है तो फिर मैंने टाइम निकाला और मैं अभी हमारे दिनेश शर्मा जी डिप्यूटी सीएम है उनके साथ मेरी मीटिंग थी, अभी योगी आदित्यनाथ जी को मिलने के लिए मैं अभी जा रहा था, 7:30 का टाइम है तो रवि किशन जी ने बोला था कि 6 बजे आइए, तो आज आपके बीच में आने का मौका मिला। ये जो सारी फिल्में हैं ये फिल्में बहुत अच्छी तरह चलेगी, हमारे मुंबई में चलेगी, यूपी में चलेगी, बिहार में चलेगी, और भोजपुरी लैंग्वेज जो है मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि त्रिनिदाद और टोबैगो नाम की एक कंट्री है अमेरिका के बाजू में, मियामी है, मियामी से वहाँ जो फ्लाइट जाता है। मैं जो पहली बार मैं चुनकर आया था तब सोमनाथ चटर्जी जो है वो हमारे स्पीकर थे, वो मुझे वहाँ ले गए थे और वहाँ इंडिया के बिहार की 225 फैमिली अंग्रेज वहाँ लेकर गई थे और उस कंट्री में 80% लोग इंडियन थे, 225 फैमिली वहाँ गई थी तो अभी 175,000 हो रहे हैं, तो 225 फैमिली में गई थी, अभी वहाँ का पॉपुलेशन जो है उसमें 80% अपने बिहार के लोग हैं और वहाँ भोजपुरी गाना चलता है, टैक्सी में बैठे गए तो वहाँ टैक्सी चलाने वाले भी अपने इंडियन लोग हैं, तो मतलब बिहार की 225 फैमिली वहाँ जाने के बाद इतना पॉपुलेशन वहाँ बढ़ गया है, तो बिहार के लोग हमारे मुंबई में भी रहते हैं, हमारे कुछ लोग बिहारी लोगों का विरोध भी करते हैं, यूपी के लोगों का विरोध भी करते हैं, लेकिन मैं और मेरी पार्टी हमेशा मैं यूपी के लोगों के साथ में रहा हूँ, मैं बिहार के लोगों के साथ भी रहा हूँ, मराठी लोगों के साथ तो मैं हुई हूँ, मराठी हूँ, मराठी के बारे में हमें बहुत बड़ा अभिमान भी है, लेकिन मुंबई के अपने देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए मुंबई में सबको रहने का अधिकार है, और अभी अमिताभ बच्चन का विरोध हुआ था, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जी के विरोध में कुछ एक नए नेता ने वक्तव्य किया था, तो मैंने अमिताभ बच्चन की बाजू मैंने ले ली है और अमिताभ बच्चन की फिल्म हम नहीं चलने देंगे, और हमने बोला है कि अगर अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं चलने देंगे तो हम भी तुमको किसको मिलने नहीं देंगे, मतलब चलने नहीं देंगे मतलब या मुंबई या दादा लोगों की मुंबई खुली है,
इसीलिए मतलब हमने अमिताभ बच्चन की फिल्म चलेगी और अमिताभ बच्चन को और अक्षय कुमार को पूरा संरक्षण देने का मेरी पार्टी करेगी, ऐसी लाइन मैंने दिए थे। तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मेरा अच्छा नजदीक का संबंध है। जब कंगना रनौत जी को भी कुछ लोगों ने विरोध किया था कि उनको मुंबई आने नहीं देगी, तो मैंने बोला था कि कंगना मुंबई में आएगी और मेरी पार्टी उनका संरक्षण करेगी और हमने उनका प्रोटेक्शन किया। इसलिए जब जब कलाकारों को अन्य होता है तब तब मैं उनके साथ में खड़ा रहता हूँ और इसीलिए आज यहाँ मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि आज रवि किशन जी के निमंत्रण पर आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और यहाँ ये 5 फिल्मों का ये सन्यासी है, फसल है, हिंदुत्व है, वास्तव है और जानी मन है। तो ये जो ये 5 फिल्म का जो लॉन्चिंग है, ये लॉन्चिंग यहाँ हो रहा है। मैं ये सभी फिल्मों को डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, कलाकारों को मैं हार्दिक से बधाई देता हूँ और ये फिल्में अच्छी तरह चलती रहेंगी, ये धंधा अच्छा करेगी, पैसा कमाने का काम आप करते रहो और पैसा कमाने का काम करते रहो लेकिन चुनाव के साथ हमारे साथ रहो, पैसा भी कमाओ लेकिन हमारे साथ रहो और अपनी शब्दों के साथ। मोबाइल लेके रानी मैम इधर सर कोर्ट वाले भैया थैंक यू वेरी मच। और अब किशन जी का नाम हमारे कैमरे के आगे मत खड़े हो, हमारे किशन जी का नाम है यार कहाँ गया भाई, बीच नीचे बैठो, पोस्टरवा मंगा ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, तो बैठो शूटिंग कर दो यार, पीछे पीछे है ना कैमरा के पीछे अच्छा सर एक कैमरे में सर लूंगे तो रवि किशन जी की बैठना भाई हेलो अरे यार मोबाइल क्यों ले रहे हो ऊपर यार अच्छा काम करने काम करने और इनका जरूर नाम है रवि। थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा दूरी में थोड़ा सा पीछे हाँ ठीक है सामने लुक दीजिए सर। किशन जी का नाम है रवि और अभी हमारे मजा मुझे सजा मैं लेने वाला हूँ आपकी रजा क्योंकि रवि किशन और मुझे आपको देख कर आज नहीं सजा। ठीक बात है। तो रवि किशन जी को मैं हार्दिक को बधाई देता हूँ, आपके बोल के भी लोग अच्छी तरह चलते रहेंगे, राम की फिल्म पूरे देश भर में बहुत अच्छी तरह चलेगी, मैं जो भी शुभकामना देता हूँ और रवि किशन जी को दो शब्द बोलने के लिए मैं अनुग्रह करता हूँ। धन्यवाद राठौर साहब आप आए और मैं इनको दिल से धन्यवाद दे। दोपहर को मैंने फोन किया कि आप यहाँ पे सर आप आए हैं तो आशीर्वाद देना आप जरूर आइएगा, इतने हमको मुख्यमंत्री जी के पास जाना था। तो आज ये 5 फिल्म फसल, सन्यासी, हिंदुत्व, वास्तव, जाने मन टू, ये सब 5 फिल्म का मुहूर्त प्रेम राय जी कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे
प्रेम राय जी के साथ प्रवीण जी हैं और श्रेयांश फिल्म और स्काई हाई टूट रही है। तो प्रवीण जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेमन ट्री होटल नी का है, प्रवीण जी साथ में खड़े हैं, उनके साथ हमारे सरदार जी, हमारे भाई जी वो खड़े हैं, बलरामपुर के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वो जिला उपाध्यक्ष हैं, और मेरे साथ ये सारी सुपरस्टार हीरोइंस हीरो सारे जितने लोग हैं सब लोगों को दिल से शुभकामनाएं कि आज मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद अभी मिला, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि आप लोग अच्छे से करिए। प्रवीण जी को बोला, प्रेम राय जी को बोला कि आप लोगों ने ये फिल्म बड़ी भव्य बनाई है, हिंदुत्व का पोस्टर उन्होंने देखा, बाकी पोस्टर बड़े पसंद किए, उनका एक ही आशीर्वाद ये था कि आप लोग अच्छी फिल्म बनाएं। तो भोजपुरी सिनेमा के लिए एक अच्छी जिम्मेदारी थी कि मुख्यमंत्री जी का एक, आज मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को बता कि अभी उनका वहीं से हम आ रहे हैं उनके घर से, उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा को अच्छा सिनेमा बनाना बहुत ज़रूरी है, ये उन्होंने एक आशीर्वाद के रूप में मुझे बताया। मैंने बोला नहीं, एक टाइम स्क्रिप्ट पे बहुत काम, बोले नहीं आप लोगों से उम्मीदें बहुत हैं, आप लोगों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, और उन्होंने ये बात कही तो ये बात हमारे प्रोड्यूसर ने भी सुनी, हमारे जितने डायरेक्टर्स यहाँ खड़े हैं वो भी सुन रहे हैं, राइटर्स हैं जो भी वो भी, हमारे कलाकार भी सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, चूँकि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो गई, ऑलमोस्ट सारी शूटिंग्स यहाँ पर लखनऊ में, नहीं तो भी इस वक्त 40-45 फिल्मों की शूटिंग चल रही है हर भाषा की, उसमें भोजपुरी काफ़ी है, जौनपुर बनारस हर जगह, गोरखपुर हर जगह शूटिंग हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी का ये आदेश और ये एक आशीर्वाद मिला कि आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन आप लोग अच्छा सिनेमा बनाएं, तो ये आशीर्वाद में लेके मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। वो चूँकि आप लोग जानते हैं होटल्स में नहीं आते, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया और कल वो रूबरू वापस से प्रोड्यूसर से सबसे मिल के और भी बातें अपनी रखेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक संदेशा था मुख्यमंत्री जी का कि आप लोगों को अच्छा सिनेमा बनाना है, जैसे मराठी और बंगाली सिनेमा बनता है, और आप लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार लेना है, अच्छी कहानियों पर काम करो, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा अठावले साहब अभी। तो मैं चाहूँगा अठावले साहब आप क्या कहेंगे, आज 5 फिल्मों का मुहूर्त है, आपने इतना समय आप थोड़ा हमारा इंतजार किया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद पार्लियामेंट में पूरा देश आपको आनंद देता है, और हमेशा आप अपनी जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं और स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं, निस्वार्थ व्यक्तित्व है, इसीलिए अभी आप पूरे लखनऊ में आज छाए हुए हैं, हर जगह चारों ओर आपके पोस्टर लगे हैं, तो आपको आपका स्वागत है इस लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की धरती पर। ये अठावले साहब ये इसका सामने एक बार फोटो ले दीजिए, इन लोगों को फोटो चाहिए इसका, और रवि किशन जी ने बोला है कि मैं पूरे लखनऊ में छाया हूँ। रवि किशन जी अभी अभी बोले कि मैं सारे लखनऊ में छाया हूँ, तो आपकी मेरे ऊपर माया मैं इधर हूँ छाया, क्योंकि आपकी है मेरे ऊपर माया। एक बार और देख लीजिए भाई, और आप एक बार अच्छा गीत गाया आपने, बहुत एक बार बहुत अच्छा गीत गाया, क्योंकि मेरी है आपके ऊपर माया। सर क्लैप दे दीजिए सर, हाथ थोड़ा पीछे प्लीज। भोजपुरी सिनेमा का वो समय आ गया है कि वो अच्छा सिनेमा बनाए, अच्छे स्तर का सिनेमा बनाए। जब उन्होंने इस फिल्म के हमारे हिंदुत्व के पोस्टर को देखा, बड़े प्रभावित हुए, मैं अपने मेरे मोबाइल में था, मैंने उनको तुरंत बताया, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप लोग अच्छा सिनेमा बनाए, कहानी अच्छी चुने, कहानी अच्छी जिससे समाज को भी फ़ायदा हो, सोसाइटी को फ़ायदा हो, बच्चे देखें उससे कुछ सीख लें, जैसे पुरानी फिल्में होती थी।
तो मैंने कहा कि सौरभ मोदी जी जैसे पहले बनाते थे हम लोग उसी तर्ज पर बना रहे हैं। हमारे प्रवीण जी, प्रेम राय जी, हमारे सारे बेस्ट डायरेक्टर्स लेके आए और महाराज जी कहीं निराश नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैंने सब्सिडी दी है, सारे सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे प्रमोशन के लिए दिया है, पूरे मुंबई से ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री यहाँ पर आ चुकी है। एक बात उनको बड़ी खुश, आज मैंने उनको एक जानकारी दी, शायद उनको थी भी, मैंने कहा कि महाराज जी आपको पता है इस वक्त कितनी शूटिंग हो रही है यहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कितनी हो रही है, मतलब 45 फिल्मों की शूटिंग तो लखनऊ और लखनऊ के आसपास हो रही है, बनारस में, जौनपुर में, गोरखपुर में, महाराजगंज में, हर चौमुख इस वक्त हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, हर भाषा के लोग आके उत्तर प्रदेश को चुन रहे हैं। एक बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, यहाँ स्थानीय कलाकारों को काम मिल रहा है, यहाँ पे राज्य में इतना पैसा आ रहा है, जितनी शूटिंग होती है वो सारा पैसा राज्य में उस ज़िले में जाता है, हर माध्यम से, होटल से लेके गाड़ी घोड़ा, डीजल, पानी, राशन, हर तरीके से स्थानीय कलाकारों को अब मुंबई नहीं जाना पड़ रहा है। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि अच्छा सिनेमा बनाइए, और मैंने बोला डेफिनेटली ये दोनों भाई जो आए हैं, प्रवीण जी, प्रेम राय जी, प्रेम राय जी पुराने मेकर हैं, प्रवीण जी एलिमेंट्री, इन्हीं का होटल है, तो ये डेफिनेटली बनाएंगे। और मेरे भाई ब्रिजेश जी आज हमारे इतने बढ़िया मंत्री आए हैं, इनका आशीर्वाद मिला, इन्होंने जैसा शब्दों से आशीर्वाद दिया, आठवले साहब आके गए तो बड़ा अच्छा है कि महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला, उनको पूरी फिल्मों का ब्यौरा बताया कि आज 5 फिल्मों का पूरा, सारे सुपरस्टार मित्र हीरो आए हैं, पूरे डायरेक्टर आए हैं, बड़े बड़े टेक्नीशियंस आए हैं, सबको मेरी ओर से बहुत साधुवाद कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आप लोग मुंबई छोड़कर आए हैं, आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों को कोई चिंता नहीं होगी, वन विंडो आप लोगों को जैसे महाराज जी ने आदेश दिया है, वन विंडो परमिशन है, हर तरीके से आप लोगों को प्रशासन भी मदद करेगा, क्योंकि प्रशासन खुद साथ में खड़ा है हमारे, तो इन्होंने पुलिस प्रशासन की पूरी मदद है, कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं रहेगी, और आप लोग आएँ यहाँ शूटिंग करें और यहाँ से सब्सिडी ले जाएँ, उत्तर प्रदेश की संस्कृति संस्कार को देश दुनिया को दिखाएँ, हमारे यहाँ एक से एक लोकेशन हैं, उसको जन्माएँ, और आप लोगों को मैं इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका कि आप डिज्नीलैंड और रामूजी राव स्टूडियो की जैसी बात करते हैं वैसे उत्तर प्रदेश के स्टूडियो की भी आप लोग बातें करें, मुलाकात कर रहे हैं जो है। कैसे है सर? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छा लग रहा है। करते हैं
इमरान सर, बाकी का पता नहीं, लेट्स सी। बीच में अब आपने एक के बाद एक फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, पास आओ ना आवाज, आपने एक के बाद एक फिल्मों में शुरू कर दिया था कि नहीं आप अभिनय करेंगे, हाँ। थोड़ा सा अभिनय के क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, उसे इम्पोर्टेंस थोड़ी ज्यादा देंगे, एक बार फिर से बैक टू ब्रेक हो गई है आप, एक बार फिर से पुराने घर में वापसी कर ली है आइटम सॉन्ग में। मेरे लिए इंडस्ट्री ऐसा है कि मैंने कभी आइटम सॉन्ग छोड़ा ही नहीं था, लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, अब वापस उन्होंने बुलाया तो मैंने स्टार्ट कर दिया, एक्टिंग भी कर रही हूँ। सी वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, इट जस्ट की मुहूर्त है, पांच फिल्मों का है तो हम लोग भी पार्ट है, बट वो बाद में पता चलेगा। आइडिया नहीं है बट मैं इंडस्ट्री के फिलहाल नंबर वन आइटम डांसर हूँ और मैंने 300 फिल्में कर लिया है और मैक्सिमम मैंने लीड भी किया है, मेरे 10 फिल्में इस साल रिलीज हो जाएगी, तो मैं सिर्फ कैरेक्टर नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके जो काम मिले घर चलना चाहिए। जिसमें मैंने हीरोइन का कैरेक्टर किया है, अपनापन उसमें सेकंड लीड है मेरा, और चांदनी जिसमें मैंने डीएसपी का कैरेक्टर किया है, ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं, आप हर फिल्म में हर किरदार में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप ऑडियंस से रिक्वेस्ट है प्लीज जाइए और देखिए। सी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास चॉइस नहीं होता आर्टिस्ट के पास, हम आर्टिस्ट के पास वो बॉलीवुड में होता हुआ कि हमारे पास चॉइस है कि हम मेहनत करें ये करें, नहीं, वी डोंट हैव द चॉइस, इट्स जस्ट कि काम आ रहा है, वी अप्रिशिएट, वी डू वर्क, दैट्स इट। बदलाव दिख रहा है कोरोना के बाद, इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़ दो, ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ ही नहीं, और मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन जितने लोगों से पूछेंगे सबका अपना एक परसेप्शन जाएगा, तो ये पूछ के कोई मतलब नहीं है, चेंज होगा लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इससे पहले पांच फिल्में ऑलरेडी प्रेमराज जी की प्रोडक्शन की कर चुका हूँ, तो मैं तो मुझे लगता है कि मैं सारी फिल्मों में रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए प्रेम जी का प्रोडक्शन जस्ट लाइक अ होम प्रोडक्शन है। मैं इनकी पहली फिल्म जाने मन में था, इनकी हुकूमत में था, आशिक आवारा में था और संया सुपरस्टार में था, इन लगभग सारी फिल्मों में मैं था, तो मुझे लगता है कि इन सारी फिल्मों में मैं रहूँगा, मेरे बड़े से संबंध उनसे, तो मेरे लिए घर के फंक्शन जैसी ही बात है। समझते नहीं चीज़ों को, वो इस तरीके से वो गलत तो प्रमोट करते हैं, हिंदुत्व एक विचारधारा है, जीवन शैली है, वो उसको जात धर्म या उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है इस शैली को, इस विचारधारा को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना हमें गंगा घाट पर विदेशी नज़र नहीं आते, हमें मथुरा में विदेशी नज़र नहीं आते, अगर वो लोग यहाँ आके हमारी विचारधारा, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि वो हिंदू हो गए, वो हमारी विचारधारा को, हमारी शैली को अपना रहे हैं, जो हिंदुत्व से परती है, जो हिंदुत्व की एक शैली है। मुझे लगता है, मैंने जो सुना है ऑनलाइन,
मैं रिवील तो नहीं कर सकता, मगर भोजपुरी में शायद पहली बार एक बड़े रियलिस्टिक पैटर्न पे फिल्म बन रही है। कमर्शियल सिनेमा नहीं कि हीरो उड़ के और आसमान में जाके और 50 लोगों को मारता है, बहुत रियलिस्टिक पैटर्न की फिल्म है जो मेरा ख्याल है दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है लखनऊ में जो एक फिल्म इंडिया का हब बनता जा रहा है मुंबई के बाद, अगर हाँ से देख रहा हूँ कि इससे सभी कलाकारों को फायदा होगा, खासकर जो यूपी बेस्ड है। सरकार की तरफ से जो ही चलाया गया, इसमें सहयोग किया जा रहा है, उसमें से सबको फायदा है। मैं यूपी का हूँ इसलिए मुझे भी बहुत बेनिफिट है। वैसे मैं मुंबई में भी अच्छा काम कर रहा था, पर जो लोग यूपी के जो कलाकार हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए वो शुरू से सपोर्टिव रहे और हमारे लिए गर्व की बात है। रवि जी सांसद हैं, मनोज जी सांसद हैं, ये दो हमारे जो भोजपुरी के प्रतिनिधि हैं जो हमसे हटकर बाकी जनता का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संसद में, तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमें खुशी होती है कि हमारे बीच के लोग हैं, हमने इनके साथ फिल्में की। बहुत अच्छा, मुझे लगता है भोजपुरी में सबसे हार्ड वर्किंग एक्टर हैं, इतना मेहनती एक्टर। और सेट पे आ गए तो वैंडी वैन में नहीं जाते वो, मतलब कई बार तो कपड़े भी सेट पे ही चेंज कर लेते हैं, फटाफट शर्ट उतारी पहन लिए, मतलब काम में डूब जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनल है और बहुत मेहनती एक्टर है। देखिए मुझे लगता है ये बहुत व्यक्तिगत मामला है उनका, इससे उन्हें बड़े व्यक्तिगत लेवल पर ही सुलझाना चाहिए था, जो सोशली सोशल साइड पे आ गया है, जो दुखद है। घर की बात बाहर जाए तो हमें बुरा लगता है, किसी के भी घर की बात हो, और भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा परिवार है, हमारा घर है। मुझे लगता है खेसारी जी भी समझदार है, काजल जी भी समझदार है, अगर कोई मनमुटाव या कोई मतभेद है तो उन्हें आपस में मिलकर उसे सुलझाना चाहिए। बहुत अच्छे से चिंटू जितनी जल्दी आए थे, चिंटू पहली फिल्म जो की थी उसमें मेरे बेटे का रोल किए थे दीवाना में, जितनी जल्दी उन्होंने सिनेमा को पकड़ा है, हालांकि सिनेमा उन्हें विरासत में मिला है, उनके खून में सिनेमा, उनके पिताजी इतने बड़े डायरेक्टर, तो मुझे लगता है चिंटू के अंदर बहुत जल्दी प्रोफेशनलिज्म मैच्योरिटी आई है जो पर्दे पर उनकी फिल्म दर फिल्म नजर आती है। थैंक यू सो मच। जो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है भोजपुरी में आए हुए, लेकिन हाँ मैं भोजपुरी हूँ, मैं बिहारी हूँ तो बचपन से ही हूँ इस लाइन में, तो ठीक है अभी दिमाग यही था कि चलते रहना है, डांस करना है, एक्टिंग करना है, तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ इस इंडस्ट्री में। अब पूछे सर आपका सवाल। जी मैं फिल्में कर चुकी हूँ, मेरी स्टार्ट हुई थी दिनेश जी के साथ, उधर मैंने फिल्म की है ठीक है, और उसके बाद मैंने प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ दो फिल्में की हैं, और जस्ट अभी अभी मैंने नेपाल में दो फिल्में कंप्लीट की है यश कुमार जी के साथ। देखिए कॉन्सेप्ट ना हर बार कोई ना कोई नया लेके आने की कोशिश करता ही है, जैसे जितने आजकल नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, पराग पाटिल जी हैं और भी ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो लेके आना चाहते हैं नए नए कॉन्सेप्ट, पर कहीं ना कहीं घूम फिर के वो वापस वहीं आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट लेके आना और वापस उसको वैसा ही दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचने से नहीं होगा, वैसा दिखाना भी पड़ेगा, प्रेजेंट ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ जैसे उन्होंने सोचा था वैसे वो आया, तो अगर वो जैसा सोच रहे हैं अगर वैसा ही आएगा तो हाँ डेफिनेटली लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने भोजपुरी ही को ही चुना है, मैं बिहारी हूँ तो इसलिए मैं भोजपुरी कर रही हूँ, लेकिन मैंने दो हिंदी फिल्में की हैं, एक मैंने राजस्थानी फिल्म की है, मैंने अभी पंजाबी वेब सीरीज़ की है, तो हाँ और तेलुगु में मैं अभी अभी डेब्यू किया है, तो हाँ मैं सारी लैंग्वेज में करना चाहती हूँ, लेकिन बिहारी इसलिए, भोजपुरी इसलिए क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, मैं बिहार से हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा है कि मन की भोजपुरी में रहूँ ताकि मेरे घर वाले मेरे परिवार वाले भी मुझे देख सकें। देखिए ये जवाब बहुत मुश्किल है देना, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने काम किया है दिनेश जी के साथ तो मैं टच छोड़ आपको ये बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, तो मैं उनसे ही मिली हूँ अब तक, बाकी दो लोगों से अगर मिलूँगी तो मैं आपको बता सकती हूँ कि तीनों में से कौन अच्छा है, लेकिन अभी तक मेरे लिए दिनेश जी बहुत अच्छे हैं।
वही वाली बात हो गई यहाँ पर कि मैंने इन दोनों के साथ काम इतना नहीं किया है तो मैं दोनों को इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ एक्ट्रेस की बात अगर आप पूछते हो तो दोनों ही बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी अदाकारा है दोनों की, तो मैं दोनों को ही अच्छा मानती हूँ। सर मेरी आने वाली फिल्म बहुत सारी हैं, मैं बस प्रे कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाए और आप सब लोग मुझे देखें और मुझे बहुत सारा प्यार दें जैसे आप सबको देते हैं। देखिए मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहती, मैं बस एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और एक अच्छा अदाकारा बनना चाहती हूँ ताकि लोगों तक जो मैसेज, जो एक्टिंग का मेन मोटिव है समाज का आई, वो मैं दिखा पाऊँ और लोगों को अच्छे से एंटरटेन कर पाऊँ, बस मैं इतनी ही कोशिश करती हूँ। जी अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सी फिल्म में मैं कर रही हूँ फाइनली, लेकिन हाँ किसी ना किसी फिल्म में आप मुझे जरूर देखें। जो भी एक्चुअली देखिए मेरा ये नहीं है कि मैं किसी एक के साथ काम करना चाहती हूँ, अब ये है कि स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, स्क्रिप्ट क्या मांगता है, उनको कैसा आर्टिस्ट चाहिए वो डिपेंड करता है, तो जैसा उनको लगेगा कि मैं जहाँ फिट बैठती हूँ तो मुझे ले लेंगे। थैंक यू। सबसे पहले हमारे भोजपुरी श्रोता को मैं आयशा कश्यप उर्फ अप्सरा दिल से प्रणाम करती हूँ और आज हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं बहुत ही भव्य मुहूर्त में और सबसे बड़ी बात कि यूपी में और ये मुहूर्त हो रहा है और आज हमारे योगी जी वो आने वाले हैं और बहुत सारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं यहाँ पे और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो एक बोल सके तो हम लोग इस भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया जन्म दे रहे हैं इससे। और सारे सुपरस्टार यहाँ उपस्थित हैं, रवि किशन जी, खेसारी जी, निरहुआ जी, कल्लू जी, चिंटू जी और सभी डायरेक्टर, सभी एक्ट्रेसेस, सो हम लोग जस्ट यहाँ पर उपस्थित हैं। पांच फिल्मों का यहाँ पे जो है होना है और पांच फिल्मों में आप कौन सी फिल्म का जो है अभी एक्चुअली 5 मूवीज के लिए लाइट ये बोलना चाहूँगी कि अभी सारे एक्टर एक्ट्रेस का पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं है कि ये करेंगे और जो भी नए कलाकार आ रहे हैं उनको भी अभी डिसाइड किया जाएगा कि वो किसके साथ फिट हो गए, बट मेरे लिए मोस्ट प्रॉब्ली खेसारी जी के साथ आप लोग देख सकेंगे। ऑफ कोर्स लाइक हमारी इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज जो आज पॉलिटिशियन हैं इतने बड़े, सो उन लोगों के सहयोग से हमारी इंडस्ट्री और बड़ी होती जा रही है, मुंबई से लेके यूपी से लेके बिहार, झारखंड, विदेशों में भी इन्हें देखा जा रहा है, हमारे दुबई में इनके काफ़ी फैन फॉलोइंग है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो ऑफकोर्स हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी इंडस्ट्री को एक नए लेवल पर ले जाया जा रहा है और सभी लोग इसके लिए हमारी पूरी इंडस्ट्री एक साथ एकजुट हुई है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारे सारे एक्टर्स एक साथ मिल के इसे एक नया दौर दे रहे हैं। हमारे लिए तो सभी एक्टर सच में बहुत इक्वल है और मैं तो सभी में अलग अलग क्वालिटीज है जो चाहूँगी कि मैं काम करूँ और सीखूँ, मैंने रवि जी को मेंटर माना है, उनके साथ काम भी किया है, रवि जी सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, बट रवि जी इज़ अ मेंटर फॉर मी, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें, आज जो कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंटली जो खड़े होकर बोलते हैं, जो ही इज लाइक बिंदास, वो उन्होंने मुझे सिखाया है। हाँ जी उसके बारे में बात तो नहीं करना चाहूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में होती रहती है सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाते हैं, वी ऑल आर फ्रेंड्स यार, कुछ भी ऐसा नहीं है, फैमिली है तो लोग बोलते होंगे। हाँ जी
हाँ जी, हमारी एक फिल्म एक्चुअली अभी इसके बाद में जा रही हूँ, एक मूवी जाने वाली है, और एक हमारी मूवी नकली नवाब आई है वर्ल्ड वाइड, सो आप लोग वो देख सकते हैं। एक होली में हमारी मूवी आने वाली है, फैमिली मूवी लास्ट में आने आंगन टेढ़ा, और बहुत सारी मूवीज आ रही है, रवि जी के साथ छोटे मियाँ बड़े मियाँ आने वाली है, खिजारी जी के साथ आप लोग को थैंक यू सो मच। देख लो, अगर देखा जाए तो भोजपुरी सिनेमा जो है वो एक नए प्रगति पर जा रहा है, तो अभी का जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, जो इतने पांच पांच फिल्मों का जितना बड़ा कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? यूपी में मुंबई तो पहला हफ्ता, अब यहाँ का दूसरा हफ्ता। जी जी जी, अभी देखिए क्या है, पूजनी महाराज जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि बाकी इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने यहाँ इतनी सुविधा कर दी है उत्तर प्रदेश में, कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जितनी फिल्में मुंबई में बनती थी उससे ज़्यादा यहाँ बनेगी। क्या यहाँ के नए कलाकारों के लिए भी कुछ राह खुलते आपको दिख रहे हैं, कैसा? बिल्कुल, क्योंकि उस गाइडलाइन में ये है कि अगर आप यहाँ फिल्में बना रहे हैं और यहीं के कलाकार उसमें काम कर रहे हैं, यहीं के टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, तो आपको सब्सिडी मिलेगी, तो वो तो प्रोड्यूसर कोई भी आए बाध्य है कि उसको यहाँ से लेना ही पड़ेगा। जिस तरह से एक दौर चल रहा है भोजपुरी में कि सिंगर्स का ही सिंगर ही जो है वही एक आगे चल करके हीरो बनता है, हीरो की तरह प्रेजेंट होता है, तो क्या एक दौर खत्म होगा कुछ नए फेसेज को जो बिना सिंगिंग किए भी क्या वो एज ए लीड लॉन्च हो सकते हैं, हीरो का चांस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं और हो ही रहे हैं। देखिए जैसे अभी चिंटू आए, चिंटू पांडे, वो गायक नहीं थे पर उनको आता है तो वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे आ गए वो। अभी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म बनती है और किसी गायक को मौका मिलता है, उसका कारण ये होता है कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग ऑलरेडी होती है, और प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं ऐसे ही व्यक्ति के साथ फिल्म बनाऊँ कि मेरा पैसा निकल जाए, पर जो लोग आएंगे नए लोग और रिस्क लेंगे अच्छी स्क्रिप्ट के साथ में तो जरूर आएंगे। सर, फसल तो बोया जा रहा है लेकिन काटने का जो है काटने का परिणाम क्या होगा, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं फसल को? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, और वो सब्जेक्ट इतना बढ़िया है कि मुझे लगता है कि लोगों को देख के, चूँकि हम भी किसान हैं, हम भी किसानी किए हैं, खेती बाड़ी किए हैं, तो हमको भी पता है कि जब वो जीवन हम वहाँ पे दिखाएंगे जिएंगे तो लोग जो है आनंद लेंगे। सर ऑल द बेस्ट, हमसे बात करेंगे। मैं यही कहूँगी कि भोजपुरी के उत्थान के लिए हम लोग हमेशा ही चाहते थे कि काम करें और अच्छी फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में बने। कोविड के दर्दनाक समय के बाद एक अच्छा मुकाम वापस आते हुए नज़र आ रहा है, अच्छी फिल्में बन रहे हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लखनऊ की धरती पर शूटिंग होने जा रही है, फिल्म सिटी बनने जा रही है, ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यही चाहूँगी और मनोकामना यही करती हूँ कि अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छे लोग जुड़े, और भोजपुरी भी तेलुगू और बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों की तरह अपना नाम करें। थैंक यू। मैम, आप फिल्मों से बहुत दिनों तक आप काफ़ी दूर हो गए के बीच में, तो आपका रीज़न क्या है कि आप इतना मूवी बना रहे हैं? काफ़ी समय काम करने के बाद में थोड़ा रेस्ट जरूरी होता है, तो रेस्ट करने के बाद वापसी हुई है। मुझे लगता है कि इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम पड़ेगी, तो कहानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। यही कहूँगी कि हिंदुत्व को हम मानते हुए आए हैं और उसी में पले बड़े हैं, तो उसका सम्मान बहुत ज़रूरी है, उसको मुकाम मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज मिल रहा है। आने वाली फिल्म है जान लेबू का, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, डोली जिसे मैंने खुद ही प्रोड्यूस किया है, बहुत प्यारी फिल्म है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी स्टार ऐसा नहीं है कि मैं इनको सिलेक्ट करूं, पर एवरीबॉडी इज वेरी गुड, ऑसम दे आर, और कोई किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और मुझे इस मुहूर्त का, इस खूबसूरत से समय का हिस्सा बनाया गया। बाकी जो स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ कि दिनेश ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सब लोग हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, बाकी जो उन्होंने आप
ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, लेकिन लोग खिंचाई करना चाह रहे थे इसीलिए उसका नाम लिया गया है, और वो बहुत अच्छी सहेली हमारी, सो नो मिसअंडरस्टैंडिंग प्लीज बोल्ड लेटर्स। वो आपको मजा लेने की आदत है, कुछ ऐसा लग रहा है, डोंट डू दैट। जी लोगों ने इस तरह से चिल्लाया, उन्होंने दिनेश भाई ने कहा कि पिछली फिल्म में भी मुझे ऐसे ही बता देते थे सात सात हीरोइन देके। हाँ तो सात सहेलियां फिल्मों में भी ऐसे ही, सात सहेलियां फिल्म में भी ऐसा ही हुआ था। हमारे राज्य की फिल्म है वो, और राज्य का काम ही है कि फंसाते रहे हीरोज को, तो उन्होंने एक के पीछे एक साथ हीरोइंस को दिनेश जी के साथ में लगा दिया, और उसके बाद में आंसर हम करते रह गए कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है हीरोइनों ने सही में दिनेश भाई को स्टेज पे फंसा दिया। वो समय आप नहीं है, वो समय आपको सही में हीरोइनों ने दिनेश जी को स्टेज पर फंसा दिया था। आई होप, आई डोंट नो, नो कमेंट्स। नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट आई थिंक, और जो भी इन्होंने जर्नी किया है कमेंडेबल, वो मतलब हम लोग तो छू भी नहीं सकते उसको, जितना इन्होंने काम किया है, जितना खूबसूरती के साथ दोनों पैर, मतलब जो जोड़ी हिट रही है, ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। ये पांच फिल्मों में एक फिल्म फसल, जिसकी मैं हीरोइन हूँ, मेरे ऑपोजिट दिनेश जी हैं, और आई एम वेरी 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 मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे इतना पता है कि अच्छी फिल्में बन रही हैं, आई एम पार्ट ऑफ दैट फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ अच्छी फिल्में बन रही है, पार्ट बन जाऊंगी जल्दी मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर लोग कह रहे हैं कि आप इसमें इतने बड़े पांच फिल्मों का जो मोरत यहाँ पर हो रहा है, मुंबई के बाद यूपी का सबसे बड़ा हब बनता जा रहा है, सर आइए सर आइए कट करो, एक मिनट एक मिनट। पांच पांच फिल्मों की मोहरत जो है यहाँ पर हो रही है, मुंबई के बाद का ये हिस्से का जो फिल्म जो है, फिल्म का जो बहुत बड़ा हब बन गया है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यूपी सरकार को, जो इतना सपोर्ट, इतना साथ हम लोग दे रही है, माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को। और आपने सही बोला कि मुंबई में हम लोग शूटिंग इसके पहले दो साल पहले करते थे, तीन साल पहले, लेकिन अभी के समय में अधिकतर हमारी फिल्मों की शूटिंग यूपी में हो रही है, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद, और यहाँ जो साथ मिल रहा है, जो ऑपरेशन लोगों का मिल रहा है, क्योंकि देखिए भोजपुरी है बिहार यूपी की लैंग्वेज, तो हम लोग गांव में शूटिंग कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में शूटिंग कर रहे हैं, तो नेचुरल लोकेशन पर कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ की सरकार को कि ऐसे ही साथ देते रहे, और हम लोग अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग हम लोग यूपी के लोकेशन पर। सरकार सामूहिक विवाह केंद्र बहुत सारे बना रही है, बहुत सारी शादियाँ करा रही है, और अभी तक अकेला कल्लू जी कुछ कह रहा था। देखिए जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि शादियों में कितने खर्चे होते हैं, और शादियों में कितने खर्चे होते हैं, दहेज के कारण कई लोग की शादी नहीं हो पाती, होने के बाद भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो सामूहिक विवाह एक बहुत अच्छा कदम है, और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमारे तरफ से जितना सहयोग होता है, जैसे हम लोग कई कई शो में जाते हैं जहाँ पे एक साथ 21 लड़कियों की या 51 लड़कियों की शादी होती है, तो हम लोग वहाँ पे शो करने जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ी खुशी महसूस होती है, तो हमारे तरफ से जितना रहेगा हम लोग भी साथ देंगे। अरविंद कब तक रहेंगे अकेला? इसीलिए इसके पहले शादी की बात की आपने, बहुत जल्द आप सबके बीच एक अच्छी न्यूज़ लेके आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, एक दो साल का टाइम है, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, तो थोड़ा काम कर लें, इसके बाद अरविंद अकेला जल्द अब अकेला होने वाला है। मतलब फिल्मों की व्यस्तता की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं? हाँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर छुट्टी नहीं दे रहे हैं, इन लोगों का सबसे पहले काम कर लूँ, छः छः महीना, सात सात महीना लोग घर पर बैठे हैं, सबका पहले सात फिल्म तो ऐसे ही हो गई, तो सात फिल्म कर लें, और इसके बाद जब फ्री हों तो शादी करें, ताकि जैसे फिल्मों को टाइम दे रहे हो वैसे बीवी को भी टाइम दें, नहीं तो बीवी नाराज होकर चल जाएगी, तो इनको हम क्यों ना लेके आएंगे। हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे सर आ गए, मेरे जिम्मे फसल है, बोना शुरू कर दिया, और लगभग हम लोग जैसे ही बरसात बाद फसल काटे। दिनेश जी के साथ आपकी पहली फिल्म का किस तरह काम महसूस कर रहे हैं?
बहुत एक्साइटेड हूँ, दिनेश जी के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए सभी नंबर वन है, ऐसा कोई भी ये चीज़ नहीं है कि सभी नंबर वन है। इस विवादों में हम हुकूमत फंसाइए, सभी अपनी जगह पर बेस्ट है, सभी लोगों के पास अपनी अपनी एक स्टाइल है, सबके पास में अपनी अपनी एक स्टाइल है, सबका अपना अपना एक तरीका है और सभी नंबर वन है। सर आपके पोस्टर लॉन्च में ये जो है काजल जी नहीं आई थी, यहाँ पर भी काजल जी का सॉरी काजल जी आई हुई, खेसारी जी नहीं आई, तो एक लोग का उपस्थित होना हर कॉन्सर्ट में क्या सवाल है? यहाँ पे लिट्टी चोखा की बात नहीं, यहाँ पे प्रेम राय जी का ये समारोह है और उनके पांच फिल्मों का लॉन्चिंग था और उसी के हिसाब से काजल जी यहाँ पर थी। और लिट्टी चोखा के वक्त काजल जी इसलिए नहीं आई, शायद कहीं बिजी थी किसी काम को लेके, किसी काम में लेके, बस उसी में। सर आप कितना उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्या इसका रिजल्ट मिलेगा? फसल जो है इस तरह की फिल्में अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि किसानों के मुद्दे पर बनी है। देखिए अच्छे कॉन्सेप्ट का अच्छा रिस्पांस हमेशा मिलता है, दर्शक अच्छे कॉन्सेप्ट को अच्छा सराहते हैं, हमेशा सराहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि फसल लोगों को पसंद आएगी। देखिए ये चीज़ तो मैं आपसे नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं अंदर भी इंटरव्यू दी, तो ये चीज़ हमारे स्वतःगढ़ के लिए जो इतने कम टाइम में इतना सारा मुझे प्यार दिए, तो मैं भी चाहती हूँ कि इतने कम टाइम में इनको मैं बड़ा सरप्राइज दूँ, तो ये सारी चीज़ें सरप्राइज रहेगी। बहुत जल्दी आप लोगों को अपनी प्यारी जोया बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिखेगी, आप लोग इस सिनेमा घरों में दिखेगी बहुत अच्छे, कुछ करते हुए, कुछ आप लोग एंटरटेन करते हुए, अपने एक्टिंग से आप लोग को इम्प्रेस करूँगी, आप लोगों के दिलों पर राज करना चाहूँगी। सो आप लोग दुआ करो कि बहुत जल्द मैं कुछ बड़ा सरप्राइज दूँ सोसाइटी को। मेरी आने वाली फिल्म, अभी तो मैंने तीन चार फिल्में ये शिकारी मैंने किया, उसके बाद से कल्लू की दुल्हनिया किया, फिर एक राधा एक मीरा किया, तो बहुत सारी फिल्में शूटिंग कर, अभी मुझे वन ईयर हुआ तो लॉकडाउन के बाद मैं सारी फिल्में शूटिंग कर करके अभी बैठी हूँ, डबिंग चल रही है, एडिटिंग चल रही है। सो जिस तरह हमारे सरकार प्यार दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। अच्छा अच्छा मैं तो चाहूँगी कि सबके साथ कर, यहाँ पे नहीं लगी है सॉरी मैं देखने लगी, मैं तो चाहूँगी कि जो मेरा लक साथ दे और जिसके साथ मुझे काम करने को मिल जाए, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी कि एक छोटी सी लड़की जो छोटे से खानदान से, छोटे से गांव से, छोटे से जिले से बिलोंग करती है, वो चल के इस इंडस्ट्री में कदम बढ़ाई और इतना अच्छा मुकाम मिला, इतना अच्छा एक्टरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, इससे मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करूँगी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा काम करना। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को पराग पाटिल स्काई सिनेमा का नमस्कार। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज मुहूर्त हुआ है पांच फिल्मों का, प्रेम राय जी की फिल्मों का, और मेरी फिल्म है फसल, और फसल में हमारे साथ महिमा गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं और एक नई उभरती हुई अदाकारा है, तो महिमा गुप्ता हमारे साथ फसल कर रही है। हाँ, तो महिमा गुप्ता एंड अक्षरा सिंह विद दिनेश लाल यादव जी इन फसल। वो तो मेरे डायरेक्टर सर बगल में हैं, यही बताएंगे कि मेरा किरदार कैसा है, बिकॉज मुझे इतना कुछ पता नहीं है, तो सर ही बताएंगे। बताइए मेरा किरदार किस तरह का है? अगर आप लोगों ने वीर ज़ारा देखी होगी, वीर ज़ारा, हाँ, तो वीर ज़ारा में जैसे रानी मुखर्जी एक बैकबोन बनकर खड़ी होती है शाहरुख खान की, तो वो बैकबोन है महिमा गुप्ता फसल में दिनेश जी। आपको अगर इन पांच फिल्मों में अगर फसल के अलावा और कौन से पांचों में अलग अलग तरीके से कौन से स्टार के साथ आप काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, पहले पसंद कि कौन से स्टार के साथ? पहले दिनेश जी के साथ तो मैं कर ही रही हूँ, करना चाहूँगी, मेरी दिली तमन्ना है रवि किशन जी के साथ, कि
कि मैं उनके साथ काम करूं, मैंने कभी किया नहीं है उनके साथ काम। रवि जी के साथ तो मेरी भी दिल्ली का मन्ना है। सो उनके साथ काम करने का बहुत मन है। मैम आप अलग तरह का किरदार करने का इंतजार है, अलग तरह के कॉन्सेप्ट का विशेष तरह का इंतजार है जी? ज़रूर, ये चीज़ क्या होती है, एक डायरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मैं लाइक किसी आर्टिस्ट को देखकर वो बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि ये मेरे किस कैरेक्टर में फिट है। एक वो होता है ना, सो जैसे सर ने अभी बताया कि फसल इनकी फिल्म है और उसमें दो हीरोइन है, एक अक्षरा जी और एक मैं, जिसके लिए इन्होंने बात की है एंड मनीष जी के अपोजिट। सो मे बी सर ने बहुत कुछ सोचा होगा इसलिए इस कैरेक्टर को सेटिस्फाइड किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनु पांडे है और मैं यहाँ पे एक मुहूर्त हूँ जिसमें काफ़ी माने जाने लोग शामिल हैं और अपने आप को मैं बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ कि ऐसी जगह पे आने का मुझे अवसर मिला। और कुछ लोगों का नाम लूँगी जैसे रवि किशन जी, पाकी हेगड़े जी, काजल राघवनी जी, निरोवा भैया जी, तो इनके बीच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ऐसा है कि मैं अभी नई नई हूँ और अभी नई नई जुड़ी हूँ सबसे, सबका आशीर्वाद अभी चाहिए। तो मैं एक्टर भी हूँ और मैं सिंगर भी हूँ, मैं सिंगिंग भी करती हूँ। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि पाँचों फिल्मों में मैं कुछ नहीं तो कम से कम एक सॉन्ग तो ज़रूर गाऊँ, और उम्मीद करती हूँ वो सॉन्ग जो भी आएगा वो आप सबको बहुत पसंद आएगा। देखिए मैं एक बहुत ही सच्ची बात बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें होती है जो ईश्वर देता है, लेकिन देने के बाद कुछ लोग उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। अगर आप उस चीज़ को मशक्कत मेहनत नहीं देंगे, जैसे एक बर्तन पड़े पड़े जंग खाता है वैसे वैसे इंसान का टैलेंट भी पड़े पड़े जंग खाता है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत की कामयाबी हासिल नहीं होती है और लाइफ टाइम मेहनत करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं हिंदी भोजपुरी सब गाती हूँ। तो एक सॉन्ग है वो, ओके मैं दो लाइन ज़रूर गाऊंगी, और मैं बचपन से ये सॉन्ग सुनते आई हूँ और सूफी सॉन्ग की जैसे ही मेरी आवाज़ भी है थोड़ी भारी भारी, तो मैं दो लाइन ज़रूर गुनगुनाऊंगी। हाय वैसे तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने बचपन से थिएटर में काम किया है और मैंने भोजपुरी कुछ मूवीज़ की हैं, जैसे कि राकेश जी के साथ में मेरी काफ़ी पहले मूवी आई थी ऐसे ही विधायक जी, उसके मारा तीन गुड़बक, तो इन सब में लीड किया है, बाकी सिंगिंग तो मेरी चल गई है। हाय जी नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप सभी को मेरा बहुत मतलब दिल से प्रणाम। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, मुझे इनवाइट किया गया, यहाँ पे बुलाया गया, सो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ ब्रेन राय सर का जिन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे शुभ अवसर पे। सो और दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बधाई कि सर की फिल्म में बहुत हिट हुआ। जी अभी तो ये हमें नहीं पता है, होपफुली देखिए कौन सी फिल्म करते हैं। अगर पांच ऑल टाइम माय फेवरेट खेसारी लाल यादव जी, बिल्कुल हमें हिंदू होने पे गर्व है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम मतलब इंडस्ट्री में हैं और काम कर रहे हैं। मरना है, मैं रहने वाली हूँ झारखंड की और
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.